जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था तब मैंने काम करना पहली बार शुरू किया था। तब मैं अखबार बांटता था, मुझे 200 रुपए मिलते थे। उसके कुछ महीने बाद मैं दूध और टोस्ट खरीद लेता था दुकान से और फिर उसको बस्तियों में जाकर अपनी साइकिल से बेचता था। 8th क्लास में जब मैं ग्वालियर शिफ्ट हुआ तो वहां पर मैंने सांचे की दूध की थैली बांटना शुरू किया, उसके मुझे 600 रुपए मिलते थे। उसके बाद मैंने बेलदारी की, मैंने हलवाई के यहाँ काम किया, 2-2, 3-3 क्विंटल का आटा वो मुझे देते थे और मुझे कुछ घंटों में उसको मारकर उनको देना। बारात में ट्यूबलाइट सर पर रखकर मैं गया हूँ। उसके बाद मैंने मोबाइल की शॉप पर काम किया है। मैं जब भोपाल शिफ्ट हुआ तो भोपाल में मैंने कॉल सेंटर में काम किया। उसके बाद मैंने एज अ रिकवरी एजेंट बैंक में मैंने काम किया। मैंने जूस की दुकान वहां पर लगाई, कपड़े मैंने बेचे जहांगीराबाद पे जो फुटपाथ है वहां पर। उसके बाद जब मैं इंदौर शिफ्ट हुआ तो यहां मैंने स्टॉक मार्केट में काम किया, एंजल ब्रोकिंग की फ्रेंचाइजी ली, एक्सिस बैंक में मैंने काम किया। उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया बहुजन साहित्य, और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है यूट्यूब की। पिछले 3 सालों में 450 से ज्यादा वीडियोज डाल चुका हूँ, तब जाके आज अपने 1 लाख सब्सक्राइबर हुए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस पूरी जर्नी में कई सारे लोग मेरे साथ रहे, कुछ लोगों ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया और कुछ लोगों ने इमोशनली सपोर्ट किया। मैं पिछले 3 सालों में कई बार डिप्रेशन में रहा हूँ, कई बार सुसाइड करने की कोशिश की है, पिछले 3 साल में बैंक करप्ट हो चुका हूँ, पर फिर भी मैं खड़ा हूँ और मैं अपना काम कर रहा हूँ। स्पेशली मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा मिस्टर देवेंद्र सर को जो इंग्लैंड में रहते हैं और उन्होंने मुझे पूरे 1 साल तक फंड किया, मिस्टर वेद प्रकाश यादव जिन्होंने मुझे माइक दिलाया, मिस्टर मौर्या जिन्होंने मुझे बाबा साहब की वॉल्यूम्स मुझे भेजी, स्नेहल जिसने एक लंबे टाइम तक बहुजन साहित्य के इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालता था वो बना बनाकर, आशना, रूबी, नंदनी, शिवानी, आराधना, शिल्पी, हार्दिक, अक्षय भाई, अंकित भाई, विक्रम, इन सब लोगों ने मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इवन जब मैंने सुसाइड करने की कोशिश की तो विक्रम ने मुझे यहाँ पर आके मेरा ध्यान रखा। ये पिछले 3 साल का सफ़र आसान तो नहीं था लेकिन बेइंतहाई खूबसूरत था, बहुत कुछ सीखने को मिला। बाकी जितने भी बहुजन साहित्य के जो व्यूवर हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने 0 से लेके 1 लाख तक के सफ़र तक अपना साथ बनाए रखा। आप लोग ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें, मैं ऐसे ही ब्राह्मणवादियों की ढोलक को फोड़ते रहूँगा और परत दर परत मैं उस धर्म को नंगा करते रहूँगा जिसने हमें इतने सालों तक गुलाम बना के रखा है। जय हिंद।